देखे स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है। देखे, फोर प्राइम नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट थ्री मतलब 3, 8, 5 एंड दैट ऑफ लास्ट थ्री इज 101। मतलब फर्स्ट तीन जो प्राइम नंबर है उसका प्रोडक्ट है 385 एंड लास्ट तीन जो प्राइम नंबर है उसका प्रोडक्ट है 101। ठीक है, सो यहाँ पर द लार्जेस्ट प्राइम नंबर मतलब हमें सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है वो उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि चार जो प्राइम नंबर है वो इस तरह से ए बी सी एंड डी, चार प्राइम नंबर मान लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में है। सो ए सबसे छोटा होगा, उससे बी सी डी। अब उससे हमें क्या फाइंड करना है, लार्जेस्ट प्राइम नंबर मतलब डी की जो हमें वैल्यू है, डी सबसे बड़ा है इसलिए डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, फर्स्ट तीन तीन प्राइम नंबर के प्रोडक्ट क्या है 385। सो फर्स्ट तीन ए बी एंड सी, सो ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू 385। ठीक है, एंड लास्ट तीन बी सी डी, सो बी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय डी, लास्ट तीन की वैल्यू क्या है 1001। ठीक है, सो यहाँ पर हमें प्राइम लार्जेस्ट प्राइम नंबर की वैल्यू फाइंड, इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ए बी सी डिवाइड बाय बी सी डी इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर 385 डिवाइड बाय 1001, यहाँ पे बी सी से बी सी हम काट देते हैं। अब इसे देख लेते हैं हम किन से, 11 से काटेंगे, सो 35। ठीक है, यहाँ पर 91 आ जाएगा। अभी से हम 7 से काट लेते हैं, सो यहाँ पर 5, नीचे 7 से काटेंगे, सो 13। ठीक है, सो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा ए बाय डी इज इक्वल टू 5/13। ठीक है, सो यहाँ पर ये दोनों मतलब इक्वल है इसलिए सो ए इज इक्वल टू 5 एंड डी इज इक्वल टू 13, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, सो हमें क्या फाइंड करना है, हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर निकल के आ गई 13। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 13।